दीपास किचन में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज घर पर ही बनाएं बच्चों के टिफिन के लिए या सुबह के नाश्ते के लिए आलू मसाला सैंडविच। आलू मसाला सैंडविच बनाने के लिए हमने लिया है 4 स्लाइस लिए हमने, 2 उबले आलू को मैश कर लिया है, 2 चम्मच हमने टमाटो सॉस लिया है। इसमें हम मिलाएंगे 1 टीस्पून रेड चिली सॉस मिला देंगे। आलू मसाला बनाने के लिए हमने लिया है थोड़ा सा प्याज लिया हुआ है 1 टेबल स्पून बारीक कटा हुआ, बटर 1 टीस्पून यहाँ पर हमने लिया है, वेजिटेबल ऑयल थोड़ी सी धनिया पत्ती है, 1/2 टीस्पून है गरम मसाला, 1/4 टीस्पून है यहाँ पे चाट मसाला, 1/4 टीस्पून है लाल मिर्च पाउडर। अगर बच्चों के लिए बना रहे हैं तो इसको आप अवॉइड कर सकते हैं। 1/2 टीस्पून है नमक। अब सबसे पहले हम कढ़ाई में तेल डाल के गरम कर लेंगे। तेल गरम हो गया, इसमें हम डाल देंगे प्याज बारीक कटे हुए। हमें प्याज को बहुत फ्राई नहीं करना है, केवल इसका कच्चापन दूर करना है। हमने प्याज को करीब 1 मिनट फ्राई किया है। अब यहाँ डाल देंगे इसमें आलू उबले हुए। इसमें हम डाल देंगे नमक स्वाद के अनुसार, लाल मिर्च, चाट मसाला और गरम मसाला, सबको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। हमने आलू करीब 2 से 3 मिनट भून लिया है। अब यहाँ पे हम गैस ऑफ करके इसे मिला देंगे धनिया की पत्ती। हमने ब्रेड के 4 स्लाइसों को प्लेट पे इस तरह से फैला दिया है। इसमें एक एक ब्रेड पे रखेंगे सॉस, रेड चिली सॉस और टमाटो सॉस जो हमने मिलाया था। दूसरे पे लगा देंगे हम बटर। अब इस पे हम रखेंगे आलू का मिक्सचर जो मैंने बनाया है, इसको हम फैला देंगे। इसमें आपको जो सब्जियां पसंद हो, शिमला मिर्च है, गाजर है, वो भी आप डाल सकते हैं। हमने आलू के मिक्सर को ब्रेड पे फैला दिया इस तरह से। अब हम ये सॉस वाली ब्रेड को इसके ऊपर रखेंगे और हल्के हाथों इसको प्रेस कर देंगे। अब इसके ऊपर हम लगा देंगे बटर, अच्छे से बटर को फैला देंगे। अब जिधर से हमने बटर लगाया है उसको रखेंगे पैन के साइड में। हमने इधर पैन रखा गैस पे। इसको हम मीडियम फ्लेम पे सेक लेंगे और ऊपर के साइड भी लगा देंगे बटर हम। अब इनको हम पलट लेंगे। इस तरह से थोड़ा प्रेस कर देंगे। हमने दोनों साइड से सैंडविच को देखिए कितना बढ़िया सेक लिया है। अब यहाँ पे हम गैस को बंद कर देंगे, इसको बीच से हम काट लेंगे। इसको हम बीच से काट लेते हैं। आलू मसाला सैंडविच बनके तैयार है। अगर आपको हमारी ये रेसिपी पसंद आए, आप हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ। थैंक यू।